गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक AEW का आज हुआ डायनामाइट शो नहीं देखा है तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज AEW डायनामाइट के ओपनिंग मैच के अंदर जॉन मॉक्सली और इसी के मैच में एडी किंगस्टन के इंटरफियर करने के बाद आज AEW के बैक स्टेज के ऊपर पहली बार रिनी पकेड हमें किसी स्टोरी लाइन के अंदर शामिल होती हुई दिखाई दी, जहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर आज हमें जॉन मॉक्सली रिनी पकेड के साथ देखने को मिलते गए। और गाइज यहां पर रिनी पकेड ये कहते गए कि AEW के अंदर एडी किंगस्टन और जॉन मॉक्सली के बीच में जो भी हो रहा है रिनी पकेड इन सभी चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं गए। और गाइज रिनी पकेड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि जॉन मॉक्सली एडी किंगस्टन के साथ झगड़ा कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर रिनी पकेड का प्रोमो चल ही रहा होता है तभी सडनली एडी किंगस्टन बैक स्टेज एरिया पर आ जाते गए, जिसके बाद कि मॉक्सली और किंगस्टन के बीच में आर्गूमेंट होने लगते गए। और गाइज यहाँ पर एडी किंगस्टन ये कहते गए कि एडी किंगस्टन ने हमेशा जॉन मॉक्सली की मदद की है, बट गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने एडी किंगस्टन को छोड़ के क्लॉडियो कोस्टोंगली जैसे लोगों का साथ दिया है और गाइज एडी किंगस्टन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गाइज इसके बाद जॉन मॉक्सली बैक स्टेज एरिया को छोड़कर चले जाते गए, जहाँ पर रिनी पकेड एडी किंगस्टन से ये कहती गए कि एडी किंगस्टन को इस पूरे मामले को सेटल करना पड़ेगा और गाइज एडी किंगस्टन और मॉक्सली को सेम पेज पर दोबारा आना पड़ेगा।